आप सब जानते हैं कि जो लेंसेज होते हैं उसमें एक काइंड की एब्रेशन होती है, विच इज काइंड ऑफ एरर इन लेंसेज, जिसे स्फेरिकल एब्रेशन कहा जाता है, जो कि होती है ड्यू टू द फैक्ट कि हम लोग पैरेक्सिल रेज की ही कैलकुलेशन करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ और वॉट एवर डिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर लेंस। तो यहाँ पे एक प्रॉपर फोकस नहीं बन पाते क्योंकि इतनी सारी रेज डेविएट कर जाती है फ्रॉम द लेंस एक्सिस। ऐसे एक और काइंड की एब्रेशन होती है विच इज कॉल्ड क्रोमैटिक एब्रेशन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कि जब लेट्स से कंसिडर व्हाइट लाइट इस लेंस में इंटर करेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक डिफरेंट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाइट लाइट अ लिटिल बिट स्प्लिट कर सकती है ड्यू टू द फैक्ट कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट लाइट कलर्स ऑफ लाइट के लिए डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से देर आर डिफरेंट स्पीड्स ओवर हेयर। एंड कोई भी पर्टिकुलर रेज को कंपेयर करोगे, लेट्स से येलो लाइट एंड ब्लू लाइट को कंपेयर करोगे, सो दे विल नॉट रीच द फोकल पॉइंट इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, या फिर जिस भी डिस्टेंस पे जा रहे इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम नहीं रीच करेंगे, तो जिसकी वजह से क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। सो इट माइट द इमेज माइट बी अ लिटिल बिट स्मियर्ड ड्यू टू दिस।